ईमानदारी की राजनीति करने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री भ्रष्टाचार के कारनामे करते चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री गोपाल राय अधिकारियों से मिलकर गाजीपुर मंडी में लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें अपने चहेतों को बांटने का काम कर रहे हैं। जो लोग वास्तव में दुकानें पाने के हकदार हैं उनके हकों को तिलांजलि दी जा रही है और वास्तविक तौर पर जो हकदार हैं उनको कार्यालयों के चक्कर लगाने पे मजबूर किया जा रहा है और अपने चहेतों को फल सब्जी की दुकानें आवंटित की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दावा करते हैं कि उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया को प्रणाली को ख़त्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लाइसेंस धारियों के हकों को मारकर बिना लाइसेंस धारियों को और जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको गाजीपुर मंडी में दुकानें आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उससे उनकी भ्रष्ट नीतियों का पर्दाफाश होता है। ईमानदारी का ढकोसला करने वाले अरविंद केजरीवाल सभी विभागों में भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। बहुत जल्द जो है उनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। अगर गौर से देखा जाए तो कमोबेश सभी विभागों में अरविंद केजरीवाल के मंत्री अपने अधिकारियों के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के मामले में अगर जांच की जाए तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार में इनके अधिकारी लिप्त हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च किए थे और उनके जीते हुए विधायकों ने अपने आकाओं से जिस तरह से पैसे की मदद ली थी चुनाव लड़ने के लिए, जाहिर सी बात है कि एमएलए बनने के बाद मंत्री बनने के बाद वे अपने आकाओं को संतुष्ट करने में लगे हैं और अपने आकाओं को ही टेंडर नोटिस दे रहे हैं। विज्ञापन के मामले में भी अरविंद केजरीवाल बेईमानी पे उतरे हुए हैं। 556 करोड़ रुपए का विज्ञापन जिस तरह से उन्होंने अपनी चहेती कंपनियों को बांटा उससे उनकी नीयत पर सवालिया निशान लगना जाहिर है। इसी तरह से न्यूज़पेपरों और चैनलों में जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के विज्ञापन जारी करते हैं वे नीतियां भी पक्षपातपूर्ण हैं, उनका भी जो है निष्पक्षता से जाँच की जानी चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को लेकर रोज प्रधानमंत्री से उनकी शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। इससे यही साबित होता है कि प्रशासनिक तौर पर खुद अक्षम हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए और जो अस्थायी तौर पर शिक्षक थे जिनको उन्होंने स्थायी करने का चुनाव में वादा किया था उनको स्थायी करना चाहिए। इसी तरह से DTC के कंडक्टर और ड्राइवरों को भी उनको तुरंत प्रभाव से अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए स्थायी करना चाहिए। इन बातों की तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का कोई ध्यान नहीं है। वे सभी मंत्रियों के मिलीभगत के साथ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जो कि एक ईमानदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान है। ऐसा उनको करने से बात आना चाहिए। दिल्ली की जनता ने विश्वविद्यालय चुनाव में ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिनों दिन घट रही है। यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले चुनावों में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई ABBVP के लोग विजयी रहे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की छात्र इकाई तीसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी आए। इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो शब्द बाग दिखाए थे उसको वे पूरे करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और अगर उनका यही हाल रहा जिस तरह से वे नजीब जंग साहब को लेकर और दिल्ली के
पुलिस कमिश्नर को लेकर रोज नई नई नौटंकी करते हैं, उससे उनके व्यक्तित्व पर सवाल या निशान लग रहा है और दिल्ली की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता दिनों दिन घट रही है। अरविंद केजरीवाल अगर समय रहते नहीं चेते तो वे दिन दूर नहीं जब आम आदमी के विधायकों, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बख्शने का काम नहीं करेगी।